तो हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सेसिबल टेक इन्फो। स्वागत है आप सभी का एक्सेसिबल टेक इन्फो में। और ये पांचवा वीडियो है यूरोफ्लाई का। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा ये वीडियो। देखिए और एन्जॉय कीजिए इस वीडियो को, इस गेमिंग वीडियो को, पीसी सीरीज का। और आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। सो लेट्स गो OBS स्टूडियो। सो हे गाइस, जैसे कि आपने इंट्रो में जान लिया, हम दोबारा यूरोफ्लाई करने वाले और दूसरा टॉपिक नहीं है। खैर, मूविंग ऑन, दूसरा टॉपिक भी काम चल रहा है। खैर, चलते यूरोफ्लाई का ये मेरे सो या पांचवा वीडियो है ये। ओके, मेरा दिमाग थोड़ा कमजोर हो गया। सो एनीवेज, चलते OBS स्टूडियो। स्टार्ट विंडो, सर्च यू यूरोफ्लाई, ओपनिंग डॉक्यूमेंट, एक्शंस, Search window. All Search right. box edit blank. Blank. Welcome to Eurofly. About Eurofly. All right. So Eurofly khul gaya hai. Iska maps load ho raha hai. So shayad hum log hangar mein honge. I'm sorry about it. Information, no button, alt, Eurofly. तो चलो हम हैंगर में हैं, तो मैं हम जल्दी से प्रोसेस कर लेते हैं। You all know what to do. हैंगर को खोलना है, control O. Computer on. Set frequency. 122.6. Enter frequency. Edit blank. 1, 2. Pop 6. Quark. 3, 6. Done. 9, 1. Transponder. Edit blank. 3, 6, 9, 1. Identification Eurofly. Confirmed. All right. As for the sound, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अलग एयरक्राफ्ट मिला है हमें। Done. Hang, okay. Hangar open. Okay. All right. Off. Done. चलो भाई, निकलते हैं हैंगर से और जल्दी चलते हैं पार्किंग एरिया में। 55 R. 70 R. और थोड़ा 30. 80 R. All right. 80 में चलते हैं। हम गाड़ी भगा रहे हैं। -399. तो हैंगर को बंद कर देते हैं। चलाओ, जो हैंगर से बाहर आ गया तो थोड़ा स्लो कर देते हैं, साथ में फिर अगर रुकना हुआ तो मुश्किल हो जाएगा। 66, अरे हाँ भाई हाँ, ऑलराइट, खाली है खाली। चलो नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, कंट्रोल प्लस राइट एरो से। Let's go towards the parking area. चल चल भाई, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। All right, fuel भर लिया है। Task देख लेते हैं। This year is a Beechcraft 1900D. Off. ATI flies. This year is a Beechcraft 1900D. Right. It's got a few more seats, but that doesn't matter because you won't be taking any passengers. Mm-hmm. We just want to introduce you to it. Depart from Razmany and head to Lusnik. Keep the blue sky up. Anything else is tragic. All right. Done. 122.6. Enter frequency. 1, 2. नहीं, हमने तो ऑलरेडी डाल दिया। SK737 और रनवे इज करंटली इन यूज, प्लीज ट्राई अगेन इन अ मोमेंट। हां भाई, मैंने अभी तक शेड भी नहीं किया डेस्टिनेशन। ट्री व्यू अननोन एस ट्री व्यू साउथ अमेरिका 330 ब्लैंक यू स्लॉट ब्लैंक। डेस्टिनेशन सेट कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस F8। जल्दी लौट रहा यार,
Novosibirsk-Spital, 67. Poland Novosibirsk-Lysosidalna, 82 km. Ukraine Uzhhorod, 99 km. Hungary Miskol, 107 km. Poland Arlevo Krasina, 121 km. Hungary Slovakia Rzepera, Slovakia Lusk, 130 km. Destination set. Chalo, destination set kar liya humne. SK737, we cannot clear you to take off due to bad weather. अरे यार बारिश भी अभी होना था हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम तब तक हम ये सब ऑन कर लेते हैं अच्छा प्रेशर भी दिया हुआ है ओके हमने सब ऑन कर लिया है ऑल सिस्टम्स आर ऑन Okay. SK737, we cannot clear you to take off due to bad weather. Assigned flight. See, current takeoff speed, 132 km. Blank. SK737, you are cleared to take off using the runway in front of you. Off. All right. हमें takeoff clearance मिल गया है. 41. R. 132. Takeoff speed. 89. R. 101. R. 113. 125, 132, 12. SK737, climb and continue heading north. All right. Take off successful. SK737, climb to 500 and set heading towards your destination. 129, 132. चलो चलो मुड़ते हैं घूम घूम घुमजा 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 मेरे भाई घुमजा 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 प्लेन का वास्ता मुझे बहुत खराब लगता है द मोस्ट हेटफुल प्लेन इन दिस गेम में जाना है तो हम ऊपर जा रहा है तो मैं टर्बो प्रोप ऑन कर देता हूँ अच्छा मैं आपको
मैं ना अभी नहीं बताऊंगा टर्बो प्रॉप क्या, ठीक है? मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ। जब मैं कैटेगरी टू का एयरक्राफ्ट उड़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि टर्बो प्रॉप क्या है। ओके, अभी के लिए इसको सस्पेंस ही रहने देते हैं। खैर अभी हम बहुत आगे जाना है तो हम और थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं। Where's the mic? Oh. Okay. Seven kilometers. I guess enough for that. भाई जल्दी जल्दी मेरा एरोप्लेन बाबू जल्दी उड़िए है। ओके, सो वी आर फ्लाइंग नाउ एट। और हाँ, कैटेगरी टू में जो एयरक्राफ्ट होंगे हम फ्री फ्लाइट भी आपको करके दिखाएंगे, फ्री फ्लाइट। सो मज़ा आने वाला है फ्री फ्लाइट के बारे में। हम आपको जरूर फ्री फ्लाइट करवाएंगे इस हमारे ट्यूटोरियल के सीरीज में। अच्छा आप लोग ना ये जो टर्बुलेंस आता रहता है ना, तो इसमें क्या होता है आपका एयरक्राफ्ट को बोर देते हैं, ठीक है? तो आपको टाइम टू टाइम मैनेज करते रहना, ठीक है? सो बी केयरफुल अबाउट इट। बार बार हेड बेरिंग में लाना पड़ता है क्योंकि टर्बुलेंस घुमा देगा आपके एयरोप्लेन को, जो हवा होते हैं वो घुमा देंगे, तो आपको करना पड़ेगा। आपको ये मैनेज कंट्रोल करना पड़ेगा। खैर कैटेगरी टू में नहीं करना है, पर ये कैटेगरी वन में आपको करना ही पड़ेगा। सो वॉच आउट। तो अभी 77 किलोमीटर बचा हुआ है अभी भी। अभी थोड़ी देर में नीचे जाएंगे, ठीक है?
थोड़ी देर में नीचे जाएंगे, फिर नीचे देखिए किलोमीटर्स एग्जैक्टली 71. देखो मैंने बोला ना ये जो टर्बुलेंस बीच बीच में आते हैं ना एयरप्लेन को घुमा देते, तो आपको मैनेज करते रहना पड़ेगा लेफ्ट एंड राइट एरो की से हेड बेरिंग में लाना, ठीक है? सो कीप माइंड कि आपका एरोप्लेन हेड बेरिंग को ही फेस करता है, उसको एन दबा के चेक कीजिएगा. मैं नीचे चलता हूँ, मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं होना चाहिए कि अभी हम ऑलरेडी 60 something किलोमीटर दूर है डेस्टिनेशन से, तो हमें 2000 में जाना चाहिए मेरे हिसाब से. सॉरी एयरफोन निकल गया था. One left, frequency set karna padega. 126 ko beech beech mein aisa aa sakta hai. So you have to make sure that you enter the frequency. Chalo, maine dal diya hai. वरना आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे एयरपोर्ट से, ठीक है? तो यू हैव टू मेक श्योर ऐसा आ जाता है बीच बीच में. It's okay. 44 kilometers. So we are still 40 something kilometers away. 41. So far, हम लोग का वीडियो में this is the longest flight. चलो, ये turbulence बीच बीच में आता है घुमा देते हैं. So you have to make sure you're facing the correct direction. सही direction की तरफ मुड़ा हुआ है. आपको ensure करना है. अच्छा ये altitude भी गिरा देते हैं, ठीक है? कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है एल्टीट्यूड, सो मेक श्योर. बारिश दे रहे हैं यार, बताओ. हेलो एल्टीट्यूड गिरा दिया, पर कोई बात नहीं, मेरे लिए फायदा होता है. हम नीचे, मेरे हिसाब से अभी हम लोग नीचे चला जाना चाहिए. माइनस 17
Seven. Sahi. अपना स्पीड कम कर देते हैं। इतना भी स्लो नहीं होना था। Kilometers, okay. 121. Okay. 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 ऐसा हमने कोई लैंडिंग को आया नहीं है, बट ऐसा हो जाता है। सो यू हैव टू कैलकुलेट बाय योरसेल्फ समटाइम्स। अब वो कभी कभार खुद से कैलकुलेट करना पड़ जाता है। सो दैट्स व्हाट आई डिड। एक्सक्यूज मी यार। बारिश हो रहा है, हमें लैंडिंग क्लियरेंस नहीं भी मिल सकता है, आई एम नॉट श्योर। बारिश रुकने तक हमें रुकना पड़ेगा। अरे बारिश रुक जा ना, तो टेक ऑफ करने दी थी, अभी ना लैंडिंग करने देगा। चलो चलो रुक गया। तीन ही किलोमीटर है। अच्छा स्लो डाउन बाय नाउ। चलो चलो वी आर वेरी क्लोज। Right.
लैंडिंग क्लियरेंस नहीं भी मिल सकता है हमें यार। Oh, thanks. हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। It should be clear. 126 top left. Yeah. We are successful. 98 minus 800 engine. 68 R. Yo yo yo. 126 comma 5 F minus 597 K. You know that it's not for us. आपको पता है? मैं आपको किसी दिन इसके बारे में इसको दिखाऊंगा, मैं आपको किसी दिन क्या होता है ये। minus 321 minus 280 K. minus 212 K. minus 153 K. तो जीरो में जाके रुकना है, as you all know. minus 64 K. minus 34 B. done. parking position. all right. blank. yeah guys. task completed successfully. task robot हो गए हैं. congratulations. About Eurofly. Yes. तो अब हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो अच्छा लगा? ऑफ कोर्स लगा है मुझे पता। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। आप लोग कर नहीं रहे हो आजकल, कर दिया करो, अच्छा लगता है, हमें कोई मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। About the program.